हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये स्लीव डिज़ाइन जिसकी मैं वीडियो डाल रही हूँ आज, तो मैं बताती हूँ आपको ये कैसा तैयार करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले स्लीव्स कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने स्लीव्स कट कर ली है। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आई बटन को क्लिक कीजिए, तो ये स्लीव्स की कटिंग आप देख सकते हैं। और ये हमारी स्टिच की मार्किंग है। तो सबसे पहले हमें इस डिज़ाइन के लिए मैंने ये पेपर कट कर लिया है और मैंने ये 1 से 1.25 इंच तक पेपर स्ट्रेट कट कर लिया है, ठीक है। ताकि जो हम इसमें यूज़ करने वाली हूँ मैं शिमर की ये पट्टी यूज़ करूँगी। ये देखिए लेस है, ये शिमर की मैं ये यूज़ करूँगी। चाहे तो आप कॉटन की पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैं ये यूज़ करूँगी और इसको इस तरीक़े से हम फोल्ड करेंगे। तो ये क्या होता है, इससे बिल्कुल परफेक्ट हमारी कटिंग हो जाती है। अगर हम ऐसे ही अगर कट करें तो छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं इस तरीक़े से ऐसे रखकर कट करते जाऊंगी ताकि हमारे जो लेस है वो डिज़ाइन की एक ही साइज़ के कट हो जाए, ठीक है। अब ये इस तरीक़े से हम कट कर लेंगे पूरे एक ही साइज़ के। बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये, जो बहुत चल रहा है आजकल। इसी तरीक़े से हम पूरी लेस को इसके पीसेस कर लेंगे। कॉटन की पट्टी भी बहुत इजी है और अब हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरीक़े से लेस को इस तरीक़े से रख दिया है और यहाँ से मैं स्टिच करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए। ये पट्टी हम जितना हमारा स्लीव्स का हमारा उसका जितना भी चौड़ाई है वो हिसाब से हम ये पेपर हमारे पास एक लेंथ पूरी नहीं है तो हम इसे जॉइंट भी दे सकते हैं। तो इस तरीक़े से मैं जितनी भी हमारी लेंथ का घेर है वो हिसाब से मैं पेपर ली हूँ और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए सेम हम इसी तरीक़े से रखते जाएंगे, स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है और ये हमारे स्लीव्स का मोरी है और ये मैं इस तरीके से यहाँ पर रखूँगी बराबर। यही सिलाई पे हम फिर से एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जब हम ये डिज़ाइंस बनाते हैं तो हमें इसकी फिनिशिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं ये कॉटन पट्टी ले रही हूँ, ठीक है, और मैं इसे यहाँ से स्टिच कर दूँगी ताकि पीछे जो है हमारी सिलाई नज़र ना आए। और आप चाहे तो इसको दो तरफ से फोल्ड करके भी पाइपिंग की पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे इस तरीक़े से फोल्ड कर दूँगी बैक साइड और ये कपड़ा इस तरी इधर साइड फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए हमने पीछे जो लगाया है ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोर की पट्टी है तो मुझे यहाँ पर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से चाहे तो आप फोल्ड करके इसे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, उसे हमें इसे तुरपाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है, पीछे से हमारा पट्टी ऐसी लगेंगी और ये बहुत ही इजी है। ये देखिए हम ये पेपर जो हमने लगाया था इस तरीक़े से हम निकालते जाएंगे। और ये जो डिज़ाइन हमने लगाया है स्लीव्स पे, हम दामन पर भी लगा सकते हैं शर्ट के कुर्ती के। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स के ये डिज़ाइन एक रेडी हो गया है। अब मैं इसे अंदर की तरफ से जो हमारी सिलाई है वो लगा दूंगी स्लीव्स की। बहुत ही खूबसूरत सी बनकर रेडी होंगी ये हमारी फिटिंग की स्टिच है। ये देखिए ये स्लीव्स हमारी बनकर रेडी हो गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसे हम चाहे तो हमारे कुर्ती के दामन पर भी यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।